हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग एंड चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लीट कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं, जो कि है ट्रैपिंग रेन वाटर। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक बिल्डिंग की हाइट है 2 और एक बिल्डिंग की हाइट है 1, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है 0 जिसका हाइट 0 यानी कोई बिल्डिंग नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बारिश होती है तो उस केस में पानी कहाँ स्टोर होगा? अगर इस बिल्डिंग पे बारिश होगी तो यहाँ से तो पानी बह के निकल जाएगा, उसे हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। और इसी टाइप से यहाँ भी अगर बारिश होगी या पानी आएगा तो वो बह के निकल जाएगा, पानी केवल इसी ब्लॉक में स्टोर होगा। ये डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे, इसके पीछे की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इसके आगे की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके बाद उन दोनों बिल्डिंग्स में से किसकी हाइट मिनिमम है। इस केस में इस बिल्डिंग की हाइट मिनिमम है, यानी यहाँ तक पानी स्टोर होगा, इस लेवल तक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और बिल्डिंग होती तो उस केस में हम नो डाउट यहाँ तक पानी को स्टोर कर सकते थे। ये भी मैटर करेगा इसके आगे की मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग पे, कौन सी बिल्डिंग इसके आगे ऐसी है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी इसके आगे की सबसे मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग 4 है, इस पोजीशन से भी 4 है और इस पोजीशन से भी 4 है। अब यहाँ से प्रीवियस बिल्डिंग्स को अगर हम देखें तो यहाँ से इसके पीछे तो कोई बिल्डिंग है नहीं, तो यहाँ तो कोई पानी स्टोर होगा नहीं। अब यहाँ पे इसके पीछे की बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट 2 है, इस पोजीशन से भी पीछे की सबसे मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग यहाँ पे 2 है, और इस पोजीशन से भी मैक्सिमम हाइट वाली पीछे की बिल्डिंग 2 है और यहाँ से भी 2 है। टाइप से आगे भी अगर कोई बिल्डिंग होती तो वहां पे कितना पानी स्टोर होगा वो उसकी प्रीवियस मैक्सिमम हाइट और नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स पे डिपेंड करता है। पे कितना पानी स्टोर होगा ये हमने 3 फैक्टर्स की हेल्प से कैलकुलेट किया है। पहला तो हमने ये चेक किया कि हर पोजीशन से उसकी प्रीवियस मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स कौन सी है, और सेकंड ये चेक किया कि पोजीशन से उसके आगे की मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स कौन सी है। इस केस में हर इंडेक्स पे प्रीवियस मैक्सिमम और नेक्स्ट मैक्सिमम ये निकलेगा, इसमें इस इंडेक्स पे हमने -1 को स्टोर किया है। क्यों? क्यों बिल्डिंग है ही नहीं इसलिए हमने -1 रखा है। और इस पोजीशन पे अगर हम बात करें तो इस पोजीशन पे प्रीवियस मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग 2 है, और सिमिलर आगे भी हमने हर इंडेक्स पे प्रीवियस मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स को रखा है, यहाँ पे हमने प्रीवियस मैक्सिमम 4 रखा है। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स को भी हमने कैलकुलेट किया है इस पोजीशन पे या इस इंडेक्स पे, ये आगे की मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग 4 है तो हमने यहाँ पे 4 रखा है, सिमिलर यहाँ तक 4 रखा है, और इस बिल्डिंग के आगे मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 1 स्टोर किया है, और इस बिल्डिंग के आगे कोई बिल्डिंग नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे -1 को स्टोर किया है। किसी भी लोकेशन पे स्टोर होने वाले पानी को हम प्रीवियस मैक्सिमम और नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग हाइट से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इस इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट बिल्डिंग की हाइट 2 है, प्रीवियस मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट -1 हमने अज्यूम किया है, नेक्स्ट मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट 4 है। तो यहाँ पे प्रीवियस में तो कोई बिल्डिंग है ही नहीं तो कोई स्टोर होगा ही नहीं इस पोजीशन पे। अब बात करते हैं हम इस पोजीशन की, तो यहाँ पे करंट बिल्डिंग की हाइट 0 है, प्रीवियस हाइट वाली बिल्डिंग 2 है, नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग 4 है। तो इस केस में करंट बिल्डिंग की हाइट 0 है तो हम इन दोनों के मिनिमम को 0 में से माइनस कर देंगे या मिनिमम को 0 से माइनस कर देंगे, तो जो भी मिलेगा हमारे वाटर का कैलकुलेशन होगा इस पोजीशन पे यानी 2। अब इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का मिनिमम हमारे पास 2 आएगा, तो इस 2 को यहाँ की करंट जो बिल्डिंग हाइट है उसमें से हम माइनस करके इस पोजीशन पे स्टोर होने वाले पानी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 - 1 करके हम यहाँ पे 1 यूनिट के इस वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर यही प्रोसीजर आगे भी हम दोहराएंगे। तो इसका टोटल सम करके हमें रिटर्न करना है, इस केस में 6 इसका आंसर आने वाला है। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें बिल्डिंग्स की हाइट का एक एरे दिया गया है, तो सबसे पहले इस वेक्टर या एरे का साइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब
हर पोजीशन से हमें उसके पीछे की मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स का एक सेपरेट वेक्टर बनाना है। तो उसके लिए हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, वेक्टर int प्रीव नाम रखेंगे इसका, और इसकी भी साइज सेम n रहेगी। अब इस वेक्टर के जीरोथ इंडेक्स पे हम -1 स्टोर करेंगे, क्यों? इस पोजीशन पे पीछे कोई बिल्डिंग है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे -1 को स्टोर करेंगे, यानी प्रीव जीरो के जीरो इंडेक्स पे -1 को स्टोर करेंगे। अब हमें हर पोजीशन पे बिल्डिंग्स की हाइट को पिछली मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग से कंपेयर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंट मैक्सी ले लेते हैं, और इसमें हम जैसे कि यहाँ पे हम रहेंगे इस जीरो इंडेक्स का, तो हमने प्रीवियस मैक्सिमम रख दिया है, अब फर्स्ट इंडेक्स में हम हाइट ऑफ जीरो इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अब एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे, आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इज लेस देन एन तक ट्रवर्स करेंगे आई प्लस प्लस। अब इस प्रीवियस के आईथ इंडेक्स पे हम एक्स को स्टोर करवाएंगे, यानी इस केस से हम चलेंगे जीरो इंडेक्स पे, तो हमने -1 स्टोर कर दिया है प्रीवियस के, अब 1 इंडेक्स पे मैक्सिमम हाइट तो यही रहेगी जीरो इंडेक्स की बिल्डिंग की जो हाइट है, तो यहाँ पे हम अभी मैक्सिमम को स्टोर कर दिया है। अब हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नेक्स्ट टर्म में अगर मैक्स की हाइट प्रीव करंट बिल्डिंग से कम है, सॉरी हाइट ऑफ आई से कम है, तो मैक्स में हाइट ऑफ आई को स्टोर करना है, मैक्स में। अब इस टाइप से हम प्रीवियस मैक्सिमम को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो हुआ हमारा प्रीवियस मैक्सिमम, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में अगली मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट नेक्स्ट, इसकी साइज भी हम एन रखते हैं। अब इस वेक्टर के लास्ट इंडेक्स पे हमें -1 को स्टोर करवाना है, क्योंकि यहाँ से आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो हम नेक्स्ट के एन -1 पोजीशन पे -1 को स्टोर करेंगे, और सिमिलर एक मैक्स वेरिएबल में इसी को रीअसाइन कर लेंगे हम यहाँ पे, मैक्स में हाइट वेक्टर के एन -1 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। अब फिर से एक फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे पे रिवर्स ट्रवर्स करेंगे इंट आई इक्वल टू एन -2 से लेकर जब तक आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई --, नेक्स्ट के आईथ इंडेक्स पे इस मैक्स को स्टोर करेंगे, और फिर चेक करेंगे इफ मैक्स इज लेस देन हाइट ऑफ आई, तो मैक्स में हाइट ऑफ आई को स्टोर कराएंगे। इस इन दोनों फॉर लूप की हेल्प से हम प्रीवियस मैक्सिमम और नेक्स्ट मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लीजिए हम इस पोजीशन पे -1 को स्टोर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जो मैक्सिमम हाइट वाला वेक्टर है उसमें, अब यहाँ पे हम पिछली बिल्डिंग यानी इस केस में तो ये हाइट्स ऑफ एन -1 है, तो यहाँ पे हमने मैक्स में हाइट ऑफ एन -1 को स्टोर किया है, और फॉर लूप को हम यहीं से चला रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला रहे हैं, तो इस पोजीशन पे नेक्स्ट के आईथ इंडेक्स पे मैक्स में हमने क्या रखा था हाइट ऑफ एन -1 यानी यही, तो यहाँ पे इसके पिछले बिल्डिंग की हाइट को हमने स्टोर करवा दिया, और फिर हर पोजीशन पे हम चेक कर रहे हैं कि करंट बिल्डिंग की हाइट पिछली मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है क्या, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। अब हमें प्रीवियस मैक्सिमम और नेक्स्ट मैक्सिमम दोनों बिल्डिंग्स का मिनिमम निकालना है, तो एक और वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर इंट मिनिमम, इसकी साइज भी हम एन ही रखते हैं, और फॉर लूप की हेल्प से आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक ट्रवर्स करेंगे आई प्लस प्लस। अब मिनिमम के आईथ इंडेक्स पे t
प्रीव के आईथ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू और नेक्स्ट के आईथ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसे हम स्टोर करवाएंगे। तो इस टाइप से हम मिनिमम वेक्टर में प्रीवियस और नेक्स्ट हाइट वाले जो वेक्टर्स हैं उनकी मिनिमम वैल्यूज को हम हर पोजीशन पे स्टोर करवा लेंगे। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट एस वोटर, स्वेटर हो गया तो इंट वोटर, इसमें अभी के लिए जीरो स्टार जीरो स्टोर करते हैं। अब एक फॉर लूप की हेल्प से हम ट्रवर्स करेंगे फॉर इंट इक्वल टू वन से आई इज लेस देन एन माइनस वन और आई प्लस प्लस, क्योंकि इस पोजीशन पे तो ना कभी पानी स्टोर होगा और इसी पोजीशन पे भी कभी भी पानी स्टोर नहीं होगा, इसलिए हम अपने फॉर लूप को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाएंगे और हर बार ये चेक करेंगे कि अगर बिल्डिंग की हाइट उसकी प्रीवियस और नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट्स में से जो भी मिनिमम है उससे अगर छोटी है तो हमें वाटर में अपने आंसर में हम मिनिमम ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन हो चुका है। अब हमें इस वाटर को रिटर्न करना है, तो रिटर्न एक बार कंप्लीट फिर से इसे एनालाइज कर लेते हैं। एन साइज का एक वेक्टर क्रिएट किया है हमने प्रीव, और उसमें हर इंडेक्स के लिए उसकी प्रीवियस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया है, और फिर से एन साइज का एक वेक्टर क्रिएट किया है जिसमें नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग स्टोर किया है, फिर उन दोनों का मिनिमम निकालने के लिए एक मिनिमम वेक्टर क्रिएट किया है और यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से ट्रवर्स करके मिनिमम निकाला है। फिर एक वाटर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पानी हम स्टोर कर पाए हैं। हाइट ऑफ आई इज लेस देन, हाँ ठीक है, अब इसे रन करते हैं, एक्सेप्टेड, अब इसे रन सबमिट करते हैं। आज का ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।